न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर चल रहे दीदारगंज टोल प्लाजा पर आगजनी व तोड़फोड़ की भ्रामक खबरों को लेकर पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा के अधिकारी साशंकित देखे गए। आपको बता दें कि दो दिनों से लगातार बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज राजधानी पटना के कई हिस्सों में भी छात्रों द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चल रहे दीदारगंज टोल प्लाजा के बारे में भ्रामक खबरों से टोल अधिकारी परेशान दिखे। हालांकि इस खबर पर टोल प्लाजा के अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरें चलाने से परहेज करना चाहिए और कोई भी खबर चलाने के पहले एक बार पुष्टि अवश्य कर लेना चाहिए। टोल मैनेजर प्रभाकर सिंह ने कहा कि आगे मीडिया से हम यह उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की भ्रामक खबरें प्रचारित और प्रसारित न करे। उन्होंने भी देखा कि वो कुछ ऐसा लिंक चल रहा है कि जिसपे दीदारगंज टोल प्लाजा के बारे में बताया गया था, लेकिन हम लोग के अभी तक जो टोल प्लाजा पे बिल्कुल साफ माहौल चल रहा है और हमने इस बारे मैटर पे दीदारगंज थाना प्रभारी से भी बात की थी तो उन्होंने हमें उपयुक्त सुरक्षा मुहैया सुबह से ही दे रखा, ऐसी किसी भी संभावना से यहाँ से इनकार किया। क्या अपील करते हैं लोगों से ऐसी गलत न्यूज ना चलाया जाए जब तक पुख्ता सबूत ना हो। क्या इसकी जानकारी बड़े अधिकारी भी आपसे पूछताछ कर रहे थे क्या? हाँ, यहाँ प्रशासनिक जितने भी थे उन लोगों का कॉल आया हुआ है कि आपके टोल प्लाजा के बारे में ऐसा चल रहा है, क्या हुआ? तो हम लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पे उपयुक्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई। काफ़ी परेशानी आपको हुई? हाँ, कई लोगों का कॉल आया हुआ है, तब से जब से ये चल रहा है अखबार में तब से कई लोगों का कॉल आ चुका है। अपना परिचय दीजिए। प्रभाकर सिंह, टोल प्लाजा। बड़े अधिकारी की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बड़े अधिकारी की तरफ से उनको भी ये शॉकिंग न्यूज लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है जब हमने सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, ऐसा अचानक कैसे हो गया, उनको भी तो शॉकिंग चल रहा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।